My name is Imad and I'm a pass out from Green Valley Educational Institute. I am the proud Green Valleyan. अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अटल टिंकरिंग लैब दिखाने जा रहे हैं और जिस स्कूल में हम जा रहे हैं फॉर्चुनेटली वहां पर उनके अलमनी मीट भी है, तो इसी बहाने हमारी बहुत सारे बच्चों के साथ मुलाकात होने वाली है। कौन किस बच्चे ने क्या हासिल किया है अपनी जिंदगी में और स्कूल से क्या उनको मिला है, आज हम उस बारे में शायद उनसे बात करेंगे। चलिए चलते हैं हम ग्रीन वैली की ओर। Assalamu alaikum. My name is Sabiq Altaf Bey. Hello everybody. I am Naushin Jilani from the batch of 2014. I have been a student of Green Valley from grade 3 until grade 10th. Assalamu alaikum. I am Seyda Gahadi Rizal. I spent 15 long years in this institution, Green Valley Educational Institute. I am an alumni of Green Valley Educational Institute. I passed out from the school in 2015, 10th. Assalamu alaikum. I am Dr. Samia Nabi. I am a health and fitness coach. Assalamu alaikum everyone, I am Nashafa. I have passed out from this institution in year 2013. And I am a singer and I am proud alumni of Green Valley. Currently I am working as a principal of Kamaria Higher Secondary Educational Institute. Assalamu alaikum everyone, I am Dr. Rakshendra, presently working as assistant professor in the Higher Education Department. My name is Imad and I am a pass out from Green Valley Educational Institute, जो इलाहाबाद में लोकेटेड है। आई एम द प्राउड ग्रीन वैलियन। और मैंने अपनी जो स्कूल की एजुकेशन है वो इसी स्कूल से की है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द स्कूल, यू नो, जिसने मेरा चाइल्डहुड शेप किया। आई वाज, इफ आई से दैट, यू नो, आई वाज अ वेरी नोटोरियस चाइल्ड, बहुत ही शरारती बच्चा था बचपन में, मेरे काफ़ी किस्से मशहूर है स्कूल में। एंड इस स्कूल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी जिंदगी में, यू नो, मुझे डिसिप्लिंड बनाने में। एंड मेरी जो एज ए चाइल्ड डिफरेंट ख्वाहिशें थी, या ऐसा कह सकते हैं मेरी जो एक्टिविटीज थी, मैं, यू नो, आम बच्चों से हमेशा डिफरेंट रहा हूँ बचपन में। आई यूज टू थिंक डिफरेंट, मेरी जो एक्टिविटीज़ होती थी वो काफ़ी अलग होती थी। एंड एक चीज़ जो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस स्कूल का, यहाँ का जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। एंड मैंने ज्वाइन दिस स्कूल, मेरा बिल्कुल, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया, आई मेड वंडरफुल फ्रेंड्स हियर। और मैंने जो अपना जो इंटरेस्ट जो मैंने स्टार्टिंग में लिया, दैट वाज इनटू द स्पोर्ट्स। यहाँ पे हमीद सर थे, अयूब सर थे उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 1998-2000, वो वाला जो टाइम था। तो वी यूज टू प्ले लॉट ऑफ फुटबॉल, वी यूज टू प्ले लॉट ऑफ, यू नो, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स। इवन जो खो खो होता था, खो खो हम लोग खेलते थे, फुटबॉल, क्रिकेट, क्या नहीं होता था यहाँ पे, यू नो, एथलेटिक्स में बहुत सारे, यू नो, यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती थी, वो हम लोग उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। एंड मेरा बचपन बहुत ही ज़बरदस्त गया। आई हैव वंडरफुल मेमोरीज फ्रॉम दिस स्कूल एंड आज, यू नो, आई एम हेयर एट दिस स्कूल। और आज एल्यूमनाई मीट है एंड दे हैव कंडक्टेड एल्यूमनाई मीट फ्रॉम 97 बैच टू आई गेस 2015, आई एम नॉट श्योर। तो सारे बच्चे, यू नो, जितने भी मेरे बैचमेट्स है उनसे मैं मिला आज यहाँ पे। और, यू नो, बहुत ही ज़बरदस्त रोल होता है इन एल्यूमनाई मीट्स का। आई केम टू दिस स्कूल आफ्टर 10 years, और जब मैंने अपने पुराने टीचर्स को देखा, यू नो, अपने दोस्तों से मिला, वो सारी जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी जो यादें हैं, वो सारा जस्ट केम, यू नो, इन फ्रंट ऑफ मी। एंड एक जो वाइब है, यू नो, जो बचपन की जो वाइब थी, एग्जैक्टली मुझे वैसा ही फील हो रहा है यहाँ पे। एंड आई एम जस्ट लिविंग बैक इन दैट मेमोरी लेन। वो सारा कुछ बिल्कुल आंखों के सामने आ रहा है, पूरा जो स्कूल है यहाँ पे हम खेलते थे, कैसा था ये उस टाइम पे और अभी कैसा है, मतलब एवरीथिंग। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि इन्होंने यहाँ पे बुलाया
एंड बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, जस्ट लविंग इट। सो क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए ATL जो 2016 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी स्कीम जी, तो अबान आप कह रहे थे कि इससे आपको काफी बेनिफिट हुआ जी। खाली मेरे को नहीं, काफी सारे यंग स्टूडेंट्स को जो ग्रीन वैली से बिलोंग करते थे जूनियर 2016 में एस्टैब्लिश हुई, तो काफी सारे यंग स्टूडेंट्स ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जो उनके दिमाग में जिसका आइडिया था, तो बट उनके पास उस चीज़ के लिए फंड्स और इक्विपमेंट्स नहीं थे और गाइडेंस नहीं थी, तो यहाँ पे उनको वो गाइडेंस मिली। जैसे एक स्टूडेंट हमारा यहाँ पे है आकिद नाम से, उसने ये 3D प्रिंट किया है रोबोट, इसको अच्छा। प्रिंट किया गया है इस रोबोट को, और ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, अभी ये पिक चीज़ें पिक वगैरह करता है और अभी उस पर वो फर्दर काम कर रहा है। और दूसरा प्रोजेक्ट हमारे पास ये है यहाँ पे, जो कि ऑटोमेटिक हैंड वॉशिंग मशीन है, हैंड वॉशिंग सैनिटाइजिंग मशीन। तो जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो उसने क्या किया था, उसका ये आइडिया था कि जब भी हम दरवाजे का लॉक खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली हाथ को डिटेक्ट करके स्प्रे करेगा। अच्छा, वो सैनिटाइज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा, डोर लॉक भी सैनिटाइज हो जाएगा, हाथ भी सैनिटाइज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एक ने बनाया था जो ऑटोमेटिक लाइट ऑन ऑफ का होता है, जो मोशन सेंसर पे डिटेक्ट करके ऑन ऑफ लाइट करता है, और फोन से भी ऑन ऑफ हो जाती है लाइट। उसके बाद हमारे 2-3 स्टूडेंट्स ने मिलकर यहाँ पे एक छोटा सा ड्रोन बनाया था और काफी सक्सेसफुल रहा है और बहुत अच्छे से बनाया था। तो आपने भी गाइड किया होगा इनको ड्रोन बनाने में? जी जी, तब मैं यहाँ पे था। तो और उसके बाद एक स्टूडेंट ने, ये भी 3D प्रिंट किया गया है, ये प्लेन है। अच्छा, इस पे भी उसने काफी काम किया है, इसको भी पूरा प्रिंटर से प्रिंट करके प्लेन बनाया था उसने। ओके, तो ये सारी जो भी इनोवेशन इन्वेंशन हुई है, ये क्रिएटिविटी जो है वो इसी ATL लैब में, इसी ATL में हुई है विद द सपोर्ट ऑफ टीचर्स और जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स ऑलरेडी है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ये 2 3D प्रिंटर्स रखे हुए हैं, और इनसे क्या किया है, इनसे काफी सारे स्टूडेंट्स ने, जैसे मैंने आपको दिखाया, प्रिंट किया हुआ है, जो चीजें हम इमेजिन करते हैं, जो चीजें हम ड्रॉ कर सकते हैं लैपटॉप में, उनको हम प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास वो नहीं है कि हम मोल्डिंग कर सकते हैं, तो हम उसको प्रिंट करते हैं डायरेक्टली, तो 3D में ये चीजें प्रिंट करता है, तो काफी सारी फायदे हुए इससे स्टूडेंट्स को, काफी फास्ट प्रिंट करता है। सो ऐसे ही यहाँ पर आपके पास बहुत सारे किट्स रहते होंगे जी जी जी, जिनका यूज करके आप कुछ मॉड्यूल के तहत आपको मिलते हैं कुछ मॉड्यूल्स? हाँ, मॉड्यूल्स भी है वहाँ पे रखे हुए उस। अच्छा, जैसे ये एक मॉड्यूल मिला था हमें ATL की तरफ से। अच्छा, क्या था इसमें, ये छोटी छोटी चीजें होती है, इनको मतलब इनको हम जोड़ के कुछ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कार बनाई थी, इसको यूज करके जैसे रोबोट बन सकता है, इसको इससे मल्टीपल चीजें बन सकती है। इसमें हमारे साथ एक बुकलेट भी आती है जो बिगिनर टू फाइनल गाइड बनाती है, तो इससे काफी सीखने को मिलता है, एक यंग स्टूडेंट को जिसको इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती है, काफी कुछ सीखने को मिलता है, एक ब्रिक मॉड्यूल टाइप का है। तो ऐसे डिफरेंट किट्स रहते होंगे जी जी, और जो मैं देख रहा हूँ इस पे 4 लिखा हुआ है, ऐसे ही ये अलग अलग लेवल का होता है, ये डिफरेंट लेवल्स का होता है, तो ऐसे ही 5th स्टैंडर्ड का होगा, 6th का और अप टू 10th, सारा इनके डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं। जो कार है यहाँ पे, ये भी इसी किट से बनी हुई है। अच्छा, ये पिक करती है चीजें वगैरह, क्योंकि हम ATL को देखते हैं, ATL टिंकरिंग लैब को, टिंकर का मतलब ये है छेड़खानी, बच्चा आएगा इस लैब में वो किसी न किसी इक्विपमेंट के साथ छेड़ के कुछ बनाएगा, तो क्रिएटिविटी बच्चों में एनहांस हो जाती है। यही गवर्नमेंट की स्कीम है ATL, जो मुझे लगता है पर्सनली कि हर एक स्कूल को इसको अवेल करना चाहिए, इसके जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। आप देखिए, जब इस लैब को आप देखते हैं, आप सब जगह आप पाएंगे कि एक बच्चा एनकरेज होगा यहाँ पर आने से, जैसे लाइब्रेरी में जाके हमें पढ़ाई की ओर रागिब हो जाता है बच्चा, वैसे यहाँ पर कुछ इनोवेशन करने के लिए बच्चे को एनकरेजमेंट वहीं से मिलेगी। तो ऐसी लैब्स होनी चाहिए जितने भी यहाँ पर स्कूल्स हैं, चाहे पेरिफेरीज में हो या हमारे टाउन्स में या सिटी में हो, हर जगह जिस भी बच्चे के पास ये लैब रहेगी, कुछ ना कुछ इनोवेशन जरूर होंगे। जैसे हमने इस लैब में बहुत सारे बच्चों की बड़ी अच्छी इनोवेशन देखी, एंड आई विश के सारे स्कूल्स इसको अवेल करेंगे, इस फैसिलिटी को। वी चोज दिस स्कूल बिकॉज दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्कूल्स जिन्होंने ATL अपने स्कूल में लगवाई थी, और तभी जाके हम देख रहे हैं कि ग्रीन वैली के बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इनोवेशंस करी हैं और कर भी रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी स्टोरीज कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके सामने लाए, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।